जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भक्ति में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। प्रत्येक भक्त अलग अलग तरीके से प्रभु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, प्रभु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसी एक सत्य घटना है, सच्ची कहानी है भक्त पर्वत जी की, जो कि नरसिंह मेहता जी के चाचा थे। इनका यह नियम था कि प्रतिदिन हाथ में तुलसी जी का गमला लेकर के और अपने गांव मंगरोट से भगवान का नाम लेते हुए चल पड़ते थे और कोसों दूर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ राय जी के चरणों में उसे रखते थे। है ना भक्ति का विलक्षण दृष्टांत। तो ये कोसों दूर जाकर इनका प्रतिदिन का यह नियम था। भक्त पर्वत जी प्रातःकाल होते ही हाथ में गमला लेकर द्वारका पहुंचकर श्री रणछोड़ राय जी के चरणों में उसे रखकर दंडवत करके फिर अपने घर आ जाते थे। अपने घर केवल रात में रहते और उसमें भी गमलों में तुलसी बोते और प्रातःकाल होते ही फिर चल देते। 68 वर्ष तक इनका यह नियम चलता रहा। अब शरीर बूढ़ा हो गया, ज्वर आने लगा, घर के लोगों ने मना किया, फिर भी ये कम मानने लगे। इनका नियम अखंड रहा। एक दिन थक जाने के कारण चार कोस दूर आजक गांव के बाहर वावली की सीढ़ी पर ये सो गए और स्वप्न देखा कि मैं भगवान द्वारकाधीश की सेवा कर रहा हूँ तथा वे प्रकट होकर कह रहे हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अगहन शुक्ला षष्ठी को गौमती को साथ लेकर तुम्हारे गांव में ही आ जाऊंगा, अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इतने में ही इनकी आँख खुल गई। ये अपने भगवान को देखने के लिए व्याकुल हो उठे, परंतु न देख सकने के कारण स्वप्न पर पूरा भरोसा न हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और फिर वही बात दोहराई गई। अब पर्वतदास जी ने भगवान की आज्ञा सिरोधार की, लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर एक कारीगर ने, जिसका नाम वासुदेव था, 15 महीने तक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया था, उसे लेकर पर्वतदास के घर आने की आज्ञा हुई। ठीक विक्रम संवत 1500 की अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन चार घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते पर्वतदास जी के घर के पास की वावली में देवी जल एकाएक बढ़ने लगा और भगवान श्री रणछोड़ राय जी उसमें से प्रकट हुए। सब लोगों ने उनकी पूजा की, उसी सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। श्री रणछोड़ राय जी का वह प्राचीन विग्रह आज भी मंगरोट में विराजित है और सिंहासन भी वहीं मौजूद है। इनके प्रताप से मंगरोट भारत का एक पवित्र तीर्थ हो गया। प्यारे भाई बहनों, यदि यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। जब तक हम किसी को सच्चे हृदय से पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक भला कौन हमारी तरफ अपना ध्यान देगा। अतः ईश्वर को अपनी तरफ आकृष्ट करना है, उनके ध्यान को अपनी तरफ खींचना है, तो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारना ही होगा, बुलाना ही होगा, उनका स्मरण करना ही होगा। इसीलिए एक बार हृदय में उनकी मूर्ति को, उनके रूप सौंदर्य को स्मरण करते हुए सच्चे हृदय से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसे एक ही बार नहीं बोलना है, जब तक आपका मन करता रहे इसे मंत्र को जपते रहिए, फल तो अवश्य ही मिलेगा। जो कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य ही मिलता है। अगले किसी वीडियो में फिर से किसी नई सच्ची घटना के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।